शिवपुर में आउटसोर्स कर्मचारी काम बंद करके अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं, जहां कर्मचारियों के धरने पर बैठने पर जिला चिकित्सालय में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर स्वच्छता सहित अन्य व्यवस्थाएं चरमरा गई है। अगर समय रहते कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला तो आउटसोर्स कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते जिला चिकित्सालय के हाल बेहाल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि जिला चिकित्सालय श्योपुर में आउटसोर्स सैटमैप सिक्योरिटी DH कंपनी के द्वारा कर्मचारी जो कि वार्ड बॉय, टेक्नीशियन, सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी, हेल्पर, स्टाफर के पद पर करीबन 100 कर्मचारी कार्यरत है, जिनको करीबन 3 माह से वेतन नहीं मिला है। कंपनी द्वारा समय पर कभी वेतन नहीं दिया जाता। उक्त प्रकरण में कर्मचारियों द्वारा उक्त कंपनी की शिकायत सभी सक्षम अधिकारियों की समय से की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वर्तमान में जब त्यौहार का समय नजदीक आ रहा है, सभी को पैसे की आवश्यकता है, बार बार गुहार लगाने के बाद भी कंपनी कर्मचारियों के निवेदन को नहीं मान रहे हैं और अपनी मनमर्जी चला रहे हैं और गरीब कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। क्या समस्या है? पहले भी आप लोग एक बार जो है जिला चिकित्सालय में धरने पर बैठे थे और फिर पुनः जो है धरने पर बैठे हुए हैं, क्या समस्या आ गई है? सर, पहले भी वेतन की समस्या थी, फिर वापसी वेतन की समस्या फिर उत्पन्न हुई है। कब से नहीं मिला आपको वेतन? करीबन 3 महीने करीबन हो गया, अभी तक कोई वेतन नहीं मिला। उच्च वर्ग के अधिकारियों को अवगत करा दिया, मगर फिर भी उन लोगों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आगामी क्या प्रक्रिया आपकी? आगामी प्रक्रिया है कि दीपावली का टाइम है, सब लोगों को बोनस, शासकीय कर्मचारी को जन क्या क्या दे रहे हैं, DD वगैरह, मगर हम लोगों को तो हमारे वेतन मांग रहे हैं, हमारी मजदूरी मांग रहे हैं। अगर यदि हमारी मजदूरी हमें वेतन टाइम पे नहीं दिया जाता, हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। तो ये जो आज आपकी आप धरने पर बैठे हैं, तो ये कब तक जारी रखने का विचार है आपका? जब तक हमारी सैलरी नहीं आएगी तब तक हम इसी तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। समस्या किस समस्या को लेकर आप धरने पर बैठी हैं? सर, पहले भी हम लोग पेमेंट के चक्कर में बैठे थे, सर अब भी वही है। हम लोगों को सही समय पे हमारा वेतन नहीं मिल रहा है। त्यौहार का समय, घर में बच्चे हम लोगों से रो रो के मांग करते हैं। हम अपनी बच्चों को कहाँ से, जब तक हमारा पेमेंट नहीं डलेगा हम बच्चों को कैसे दिलासा दिलाएं? रोज जाते हैं, रोज दिलासा, आज नहीं तो शाम को आ जाएगी, शाम को नहीं तो सुबह आ जाएगी। ना वो सुबह कब आएगी, कब शाम आएगी, इसका कोई पता नहीं है। कितना समय हो गया वेतन मिले? ये 3रा महीना खत्म होने को आ गया, यानी 3रा महीना खत्म हो चुका है, अभी तक आपको 3 महीने का वेतन नहीं मिला? नहीं मिला सर। क्या कहना चाहते हैं आप शासन और प्रशासन से? सर, हाथ जोड़ के बस निवेदन करना चाहते हैं कि हमें सही समय पे हमारा मजदूरी तो दें। और उसके अलावा सर, ये कंपनी जब से आई है हम लोग इतना परेशान है कि ना तो हमें पैसे मिल पा रहे हैं और ना हमारे घर की भरपाई हो पा रही है। हम लोगों के बच्चे ना तो स्कूल जा रहे हैं, तो उनको स्कूल वाले परेशान करते हैं कि तनख्वाह वो दो, फीस भरो। अब हम जब हमें ही मजदूरी नहीं मिलेगी तो उनकी फीस कहाँ से भरें? घर में भी हमारे कोई सामान नहीं है तो हम लोग बच्चों का पूर्ति कर सके। बस सबसे यही निवेदन है कि हमारा पैसा सही समय पर डालो और ये कंपनी हमें नहीं चाहिए, इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दो। सर, ये आउटसोर्स कर्मचारी जो है धरने पर बैठे हुए हैं, इनका कहना ये है कि इनको 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, ऐसा वाकया एक बार पहले भी हो चुका है, क्या कारण? अब मैं बता दूं आपको, ये 3 महीना शब्द को तो पहले हटा दीजिए, क्योंकि जुलाई तक का हिसाब किताब हो चुका है पूरा का पूरा। बहुत एक आध दो का डिस्प्यूट आया था, पूरा का पूरा पैसा चला गया है। बचा है अगस्त और सितंबर का। अगस्त का बिल भुगतान CS की तरफ से हो चुका है, उसकी आज के लिए हमको कल मैंने व्यक्तिगत तौर पर एक व्यक्ति को भेजा है, हमारे को बाबूजी को, उनसे जाके मिल के आया और वो पैसा उनका अगस्त का आज डल जाएगा, शाम तक के, रात तक के, ये काम खत्म हो गया अपना। फिर बचा सितंबर का, सितंबर के लिए बिल भी हमारे पास आज ही आने हैं। ये हमारा व्यक्ति जाके वहाँ पर ही बात की कि बिल क्यों नहीं दे रहे आप, ये वहाँ भी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको एडसेटमेंट में, तो बिल आने थे, तो बिल हमारे पास आ जाएंगे कल, हमारी ओर से वो भी डलेगी, उसकी कार्रवाई हो जाएगी। सेडमैप को सेडमैप दूसरे दिन तीसरे दिन उन्होंने कार्रवाई कर देगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि दिवाली से पहले हम सितंबर तक का हिसाब कर दें, अक्टूबर का तो नहीं कर पाएंगे। जो 3 शब्द लगा रहे हो ना आप, वो इसलिए लगवा रहे हैं ये लोग कि क्या एडवांस में तनख्वाह देते हैं हम उनको, तो एडवांस में अक्टूबर की तो नहीं दे सकते हम भाई, हम तो सिर्फ अगस्त तो सितंबर की देंगे ना, वो हिसाब हम हमारे त्यौहार से पहले इनका कर रहे हैं और ये प्रक्रिया हमारी चालू है। मैम, मुझे भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, लेकिन हम त्यौहार से पहले इनका हिसाब कर देंगे। आप खुद समझते हैं जनसेवा से जुड़ा मुद्दा है, मैं खुद समझता हूँ, सारे लोग समझते हैं। क्या आप 4 दिन काम बंद करके काम नहीं करेंगे तो आप पैसा नहीं लेंगे 4 दिन का? तो ये हम जनता के हितों को ये कर रहे हैं और उसको कायदे में और आहित कर रहे हैं हम,
हमें काम जारी रखना चाहिए। मेरा ऐसा अनुरोध है इन लोगों से, काम जारी रखो, काम पूरे करो। ये तनख्वाहें तो मिल जाती हैं, ये कभी किसी की तनख्वाह रोक के काम, 6 महीने में भी कई लोगों के कुछ विवाद हुए हैं, उसमें हम लोगों ने दिए उनका। नहीं सर, उनका ये कहना है कि दिवाली आ रही है और तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है, अगर आप एक बार जाकर उन लोगों को समझा दें तो हो सकता है कि वो अपना धरना समाप्त कर दें और वापस सेवाओं पर लौट जाएं, ताकि अस्पताल में आ रही व्यवधानों से बचा जा सके। ये जो रोज रोज का किस्सा है उनका, वो तो ये भी कहते हैं कि हमें 5 तारीख को तनख्वाह दे दो, तो 8 तारीख को तो हमें भी नहीं मिल पाती, इसलिए इसमें 10 तो कई बार होती है, हमारी भी हो रही है हर महीने, तो ये तो हम उससे सहमत नहीं है और आप भी सहमत नहीं होंगे। भाई तनख्वाह तो हर महीने मिल जाएगी, लेकिन यहाँ चूंकि हमने कंपनी भी बदली है, वो एक जिम्मेदार कंपनी को दिया है, तो वो मैंने अभी सीएस से बात भी कर ली है कि आप उसको समझा दो, मेरी जरूरत पड़े तो मेरे पास एक प्रतिनिधि भेज दो, मैं यहीं बैठा हूँ, तो ये करके अपन उनको बता देंगे। और ये रोज रोज करने का ठीक नहीं लगता, ये तो क्या है, ये तो ये हो गया काम, आपको करना नहीं है, आपको तो और दूसरी तरफ ले जाना है माहौल को, काम नहीं करना है और पैसा पूरा लेना है, तो ये कुछ यहीं के लोग हैं, बाहर का कोई नहीं है इसमें शामिल, और बता दूं मैं आपको। तो मेरा उनसे दोबारा आग्रह है कि ये लोग काम करें, काम को बाधित ना करें, दिवाली से पहले पूरे पैसे सितंबर 31 तक के हम उसको दिलवा देंगे।